जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ, इट्स अबाउट क्रिएटिंग योरसेल्फ। ये हम खुद हैं जो अपने आप को बनाते हैं, लोग हमें नहीं बनाते हैं। लोग हमें दिशा दिखा सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ऑब्स्टिकल्स ला सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये हम खुद होते हैं जो अपने आप को अलाउ करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या बनना है और कैसा बनना है। अगर ऑब्स्टिकल्स से परेशान होकर हम अपने आप को पॉज कर देंगे तो हम कभी अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको एक आर्टिस्ट बनना है तो आपको अपने काम के लिए पूरी तरीके से डिवोटेड रहना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा आपकी परेशानी होंगी आपको अपने लिए उतना ही डिवोटेड होना पड़ेगा। डिवोशन एक ऐसी चीज़ है जो सारी परेशानियों को छोटा कर देती है। किसी भी आर्ट का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है उसका ड्राइंग पार्ट, जिसे हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं कलर्स, वो किसी भी पेंटिंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ड्राइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ड्राइंग। एक ड्राइंग में देखा जाता है उसके प्रोपोर्शंस, उसमें पर्सपेक्टिव, उसमें वैल्यू एडिशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि एक पेंटर, एक आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग में क्या दिखाना चाहता है, वो किसी भी आर्ट वर्क में देखा जाता है। तो अपनी ड्राइंग पार्ट पे फोकस कीजिए, उसके प्रति कंसिस्टेंट रहिए, अपनी कमियों को खुद ढूंढिए, टाइम दीजिए अपनी ड्राइंग को, और एज आई सेड डिवोटेड रहिए, क्योंकि डिवोशन ही हमें आगे पहुंचा सकती है नेक्स्ट लेवल पे। बेस्ट ऑफ लक।